हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अमरतुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 74 करने आ रहे हैं, आइए देखते हैं।
भाई जो उसने किसी का बुरा नहीं उन्होंने कभी किसी का दिल तोड़ा और ना ही कभी किसी के लिए कुछ बुरा था। हम गवाह हैं इस बात के, इसकी वजह से अल्लाह उसे हमेशा शाद व आबाद रखेगा। आमीन। लग रहा है ख्वाब देख रही हूं मैं। इतने सारे तोहफे दिए हैं सबने, अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, हमारा कबीला बहुत मिलनसार है। एक तरफ अर्तुल भाई, दूसरी तरफ कबीले वाले, सब हमेशा हमारे हर दुख सुख में शामिल रहेंगे। यही अच्छा की हमारी ताकत है। एक बात और अफसा खातून, निकाह करना सुन्नत है, इसमें बताओ अफसा खातून, इस सबके अलावा और क्या चाहिए तुम्हें? इस सब के अलावा मुझे किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं है। बम से आज से आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है और आपका हर दुख मेरा दुख है। बम से तुम्हारी बातें कितनी मीठी है। बहुत ही हसी और निकाह की बहुत बरकतें उठाना, एक दूसरे का साथ देना। ये निकाह भी कबीले के लिए बाबरकत साबित होगा और कबीले के गमजदा लोगों के लिए खुशी का बायस बनेगा। ठीक कहा तुमने, हमारा निकाह कबीले में खुशियों का बायस बना है। और मुझे तुम जैसी शरीक हयात मिल गई, और क्या मांगू मैं अल्लाह से। आपको नेक औलाद माननी चाहिए। आज से हमारे इस खेमे में पूरे जहान की खुशियां होगी। जन्नत बन जाएगा। मुझे दो रकात शुक्राने के नफिल पढ़ने हैं, कहीं मत जाना। कहीं मत जाना, नफिल पढ़ लो जरा। क्या हाल है इसके? चलो इसका प्लानिंग। अर्तुरुल और आलियार तो कबाइल के सरदारान के साथ रात देर तक सराय में रहेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में कबीले पर कब्जा बहुत आसान होगा मेरे लिए। आलियार के वफादार सिपाहियों का क्या करोगे? जाएगा मैसेज उस आलियार के वफादार जंगजुओं को कबीले से निकाल दूंगा मैं। कबीले में मेरी मुखालफत करने वाला कोई नहीं बचेगा। कबीले की अफराती कुत से गाफिल मत हो जाना। और जिस शख्स को वो गद्दार मानते हो उसे सरदार कैसे तस्लीम करेंगे? कबीले वालों को अपनी जाने ज्यादा अजीज है सीरियस। जब उनके सामने मेरे मुखालिफिन मेरी तलवार का मजा चख लेंगे तो कोई उन्हें हर सूरत में आपको मानना पड़ेगा। तुम्हारे लिए कामयाब होना नागुजीर है और क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। दुंदार भी चला गया यार। वही तुम्हारा सर कलम हो गया। मुझे नहीं चाहिए सर कलम हो गया तो तुम भी नहीं बच पाओगे। वैसे उस अर्तुरुल को अगर अपने हामी सरदारान के साथ भी न रोक सका तो फिर हम दोनों बच्चे आपको पहुंच जाएंगे तुम्हारे हामी दुर्ग सरदारान पर।
के लिए बाइस शर्त है। उरान साहब, कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो लालच के बगैर तुम्हारा साथ देगा? अब तुम मुझे बताओ कि उनसे क्या वादा किया है तुमने? सरदारान ने काजी भेजा है भाई, बुला लो उसे। अब्दुल रहमान प्लान चालू हो गया कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुर्क सरदारान का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ अर्तुरुल साहब। हमारे सरदारान पिछली मरतबा मौखर हो जाने वाले जिरगे को हाली बाजार में पाया तक मिल तक पहुंचाना चाहते हैं। आलियार साहब को भी पैगाम भिजवा दिया है, वो भी शिरकत करेंगे जिरगे में। ठीक है, तो कबाइल के सरदारान की मेजबानी करना हमारे लिए बायस शर्फ होगा। प्लान में नहीं फंसनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, हमारा थोड़ा काम पूरा हो जाएगा। तमाम हिफाजती इकदाम कर लो तुर्क। सरदारान जिन रास्तों से पहुंचेंगे वहां से पाई तैनात करो। वसीली उसकी ताकत तो कम हो गई है, लेकिन उसे अब कोई मौका नहीं देंगे हम। जैसा आपका हुक्म भाई। उरान, बताओ मुझे क्या वादा किया है तुमने उनसे? उनकी आजादी बेहतरीन तोहफा होगी। अर्तुरुल की इताअत में जिंदगी गुजार फैसले खुद करने की आजादी। और वो जानते हैं कि तुम्हारे सरदार बन जाने के बाद अगर वो इस सरजमीन से दफा ना हुए तो उनका क्या अंजाम होगा फिर? बिल्कुल जानते हैं, मैं बता चुका हूं उन्हें। हम अपने कबाइल को लेकर इन इलाकों से बहुत दूर चले जाएंगे। यहां से भी ज्यादा सबसे सरदारों की तरफ हिजरत कर जाएंगे। ये सरदारान तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकले। मैं तो कभी भी हाली बाजार, सोने की कान और ये कारा जैसा किला छोड़कर कहीं नहीं जाता। तुम तुर्कों के यहां एक कहावत मशहूर है, आला काम किया तुमने। तुर्कों को यहां से निकालना वाकई मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। ये सबसे अहम अर्तुरुल को मौत के घाट उतारकर कई की जरादारी खत्म करना है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सुकून मिलेगा मुझे, मेरे लिए और तुर्क सरदारान के लिए ये सब हासिल करना ही सबसे अजीम मकसद होगा। मैं और मेरे आदमी कबीले के नजदीक ही तुम्हारा इंतजार करेंगे। फतह का जश्न मनाने के लिए मैं सबसे पहले पहुंचूंगा और हाल साहब, और अगर काम हो गए और तुम्हारी जान को खतरा लाहक हुआ तो मदद करने जरूर आऊंगा, फिक्र मत करना तुम। तो फिर फतह हमारी होगी। बिल्कुल औरंग साहब, बिल्कुल कमांडर। हुक्म कीजिए जनाब। मेरे और औरंग साहब की वापसी तक चौलपान खातून हमारी मेहमान रहेंगी। मेरी राजा मेरे साथ जाएगी। वहां बहुत खून खराबा होगा, लिहाजा चौलपान खातून का किले में रहना ही उसे मैं यहां कैदी बनने के लिए नहीं छोड़ सकता।
हम फाते बनकर लौटेंगे तो तुम और सलमान खातून साथ होंगे। ऐसा करना ही हम दोनों के हक में बेहतर है। यकीन रखो। वालिदा आप हिम्मत रखिए, देखिए फिर अफसरदा हो रही है। औलाद जब एक दूसरे से खफा होती है बेटी तो माँ रंजीदा हो जाती है। मेरा रब उनके दरमियान इख्तलाफात खत्म फरमाए। वालिदा दुनदार भाई बहुत समझदार है और अर्दुरों के अपने भाई को ज्यादा देर तक तकलीफ में नहीं देख सकते। ये सब दुनदार की बेहतरी के लिए किया है उन्होंने। वो निकाह में भी नहीं था और अभी तक यहाँ भी नहीं पाई, भेजा था मैंने लेकिन वो वहां भी नहीं था। अल्लाह ने चाहा तो वो खैरियत से होगा। इंशाल्लाह से गुजरे हैं। सिपाही अफसरदा हैं, वो हिम्मत खो बैठे हैं। मेरी गुजारिश है कि अगर आप इजाजत दें तो क्या सिपाही शिकार पर जा सकते हैं? इस तरह वो बेहतर महसूस करेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कुतलूचा? जानता हूं कि वो पहले की तरह बाहिम्मत नहीं रहे लेकिन हिफाजती फराइज की वजह से मैं उन्हें इजाजत नहीं दे सकता। उनमें से कुछ सिपाहियों को इजाजत दे दे सरदार, बाकियों को यही रखें। जब पहले वाले वापस आ जाए फिर दूसरे सिपाही चले जाए। ठीक है, कुछ लोग मेरे फैसले से आगाह करते हैं तुम्हें। जैसा आपको सरदार, जैसा आपको बेहतर लगे आप वो कीजिए। नहीं 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 मानना इसकी बात। दरवाजा खोलो। परेशान कर रही है मुझे। जो सजा तुमने अपने भाई को दी वो सख्त है बेटा। तुम तो अभी बच्चा है, अगर बिखर गया तो संभल नहीं पाएगा। मेरा भाई सुलेमान शाह और आप जैसी अजीम और बहादुर खातून का बेटा है।
दुनार के साथ किस्मत ने जो खेल खेला है वो जरूर उससे इबरत हासिल करेगा। परेशान ना हो। परेशानी से मैं तुम्हारे दिखाए रास्ते पे चल पड़ा। तुम्हारे सामने जवान हुआ है दुनार। वालिदा, मैं दुनार का बड़ा भाई और सरदार हूं उसका। जो सही था वही किया मैंने। अपने मकसद की खातिर जैसा सुलूक अपने बाकी जंगजुओं से रवा रखता हूं मैं, वही दुनार के साथ रवा रखा। कोई इम्तियाज नहीं बढ़ता और न बरतूंगा। जो कुछ अपने वालिद सुलेमान शाह से सीखा था अर्थरुल, मैं हर फैसले की तायद करती हूं तुम्हारे। अपने भाई को अकेला मत छोड़ना कभी। मैं अपने दोनों बेटों को एक साथ और हमेशा खुश देखना चाहती हूँ बेटा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ अंदर। भाई, दुनार भाई अपने घोड़े पर कबीले से कहीं बाहर चले गए हैं। दुनार, मेरा बेटा दुनार कहाँ गया होगा? इतनी रात में कहाँ जा सकता है अब्दुर्रहमान? मैं उनके खेमे में गया था, ये मक्तूब मिला है वहां से। अब तुम्हें कोई दुख नहीं सताएगा चौलपाल। सुख मुंतजर है। आज से खुशियां हमारा मुकद्दर होंगी और दुख उनका नसीब होगा। यकीन है मुझे आप पर, सालिमों से उनके जुल्म का इंतकाम जरूर लेकर रहेंगे और कल कबीले में आपका इस्तकबाल शायाने शान तरीके से किया जाएगा। उनका अंजाम करीब है जिन्होंने हमें हमारे कबीले से कबीले का सरदार बनने के बाद मैं न सिर्फ तुम्हें काम कर रहे बल्कि तहसील उसको मारने और किले को फतह करने के लिए वापस आऊंगा। और इस तरह तुम्हारा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारे दिल पर लगा जख्म भी भर जाएगा। ये कैसे होगा उरान? क्या सोचा है तुमने? किले की हिफाजत कमजोर है, आधे मुहाफिज मारे जा चुके हैं और ये किला मेरे लिए बहुत ही आसान हाथों से। इस किले पर कब्जा करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा और उस वक्त इस किले में और कबीले में तुम्हारा शहजादी की तरह इस्तकबाल किया जाएगा। जब से हमने आपके नेक मकसद के लिए रखते सफर बांधा, आपने सिखाया कि ताकत के साथ फहमो फरासत भी जरूरी है। बहादुरी एतिकाद का नाम है, किसी खोखले हौसले का नहीं भाई। लेकिन मैंने महसूस किया है कि मैं ऐसा करने के काबिल नहीं हूं। मुझसे वो गलती हुई जो नाकाबिल तलाफी और नाकाबिल नहीं कर सकता। बालो जुजेक का जो मेरी वजह से बेवा हो गई, दुआन की औलाद का जो मेरी वजह से सारी जिंदगी यतीमी में गुजारेगी, और आपका सामना भी नहीं कर सकता। वालिदा और कबीला आपके सपोर्ट करता हूं। खुशी से आंसू बहा लेती मैं, लेकिन उसको यूं चले जाना बर्दाश्त नहीं। कुछ भी करो, दुनार को ले आना। उसका इस तरह कबीले से चले जाना बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। अब्दुर्रहमान, सिपाही रवाना करो दुनार के पीछे। कहो कि दुनार के बगैर कोई कबीले नहीं आएगा। जैसा आपका हुक्म भाई।
सुकून के मुतलाशी बेसुकून हो जाते हैं, जो दूसरों में खुशियां बांटते हैं सुकून उन्हें ही मयसर होता है। अब बताओ मुझे, तुम्हारी बेसुकूनी की वजह क्या है? कि मेरा भाई दुंदार ये कबीला छोड़कर चला गया। उसके यूं चले जाने से वालिदा को बहुत दुख है। मनसब जितना बड़ा होता है मसाइल भी उतने ही बड़े होते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, तुमने वो फैसला एक सरदार के तौर पर किया और यही तुम्हारा फर्ज था। तुमने जाति मकसद के लिए अपने भाई को सजा का हकदार था, तुमने इंसाफ के तकाजे को पूरा किया है और ये मुश्किल था, लेकिन तुम्हारा भाई दिल बर्दाश्ता होकर कबीला छोड़ के चला गया। गलती पर नादिम होने वाले को माफ कर देना हमारे दीन की तालीम है। जब नबी ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो उन्होंने मदीने के अंसार और मक्का के मुहाजरीन को भाई बना दिया। उन सहाबा के दरमियान कभी कभी ना इत्तफाकी हो जाया करती थी। गलती सभी से होती है, हर इंसान खड़े होकर अपनी इस्लाह कर लेते थे और यूं भाईचारा कायम रहता था। उम्मीद है कि दुंदार भी अपनी इस्लाह कर लेगा और गलती तमाम मुसलमान और इनका सरदार वो है जो इन्हें बिखरने न दे। बिल्कुल इस तस्वीर के सिरे की तरह तुम्हारे लिए बेहतरीन अमल यह है कि बिला तफरीक तमाम भाइयों को गले लगाओ। इंसान समंदर की तरह है, उसे तुम अगर मुट्ठी में बंद करना चाहोगे तो वो बह जाएगा। सरदारी का मनसब और जिम्मेदारी बहुत मुश्किल है। सरदार बेहतरीन सिरे के हकदार होंगे। अल्लाह हमें सहाबा कराम जैसी बाबी मोहब्बत और ईसान नसीब फरमाए और हमारे सामने आने वाली रुकावटों को दूर फरमाए। हमें बुराई के महवरों से दूर रखे जो हमारे दरमियान इख्तलाफ पैदा करना चाहते हैं। आमीन आमीन आमीन। पीछा
के अजीम नाम से मेरे शोहर की मदद फरमा। तुम्हारा शोहर तो खुदा रन मेरे शोहर को यसो जैसी कामयाबी से हमकिनार कर। वक्त आ चुका है चौपाल भयानक खाब देखा है रात भर नहीं सो पाई हूं मैं। तुम्हें दिखाई देने वाले ये ख्वाब काही के लिए भयानक अंजाम साबित होंगे। ख्वाब में मैंने तो सरों वाला सांप देखा जो तुम्हें मार रहा था। ऐसा ही ख्वाब मैंने बाबा की मौत से पहले भी देखा था। तुम्हारा खौफ ख्वाब में नजर आ रहा है तुम्हें। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। चल अगर इसका सच है तो जा इसका हो जाना चाहिए। आपने बहुत खातिर की कोई कमी नहीं होने दी। जो लोग हमारी सल्तनत की खिदमत करते हैं उन्हें यह किला हमेशा याद रखता है। चौपान मेरे बाबा की भी बहुत खिदमत थी वैसिलियस। हुआ था तुम्हारे बाबा का कुछ लोगों की दास्तान तकलीफ दे होती है। बाबा की दास्तान भी तुम्हारी तरह है। हेलेना का तुम्हें छोड़ जाना मौत से भी बदतर है। ओ रे दुखते लगते हाथ। हेलेना का नसीब मुझसे अलग हो चुका है। चौपाल खातून तुम्हारे पापा की तरह। अरे आप अपनी लड़कियां मर जा मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक ये जहन्नुम वासिल ना हो जाए और इसकी मौत सिर्फ मेरे ही हाथों लिखी है। वापस आने के बाद बात करेंगे। वापस आ भी पाएगा क्या? मैं अपने इस नए रूप की आदत डाल रही हूँ बंसी। कबीले में मुझे बहुत अपनाइयत महसूस होती है। जैसे हमेशा से यही रहती हूँ मैं। ठीक कह रही हो खातू। हम सभी इसी जंगल से
इसी आसमान से हफ्सा खातून उस किले में रहकर तुम हक की राह को नहीं ढूंढ पा रही थी। उसने तुम्हारी सोच पर पर्दा डाला हुआ था और वहां पर सिर्फ बुराई थी, फितना था, साजिशों के सिवा और कुछ नहीं था। आपने मुझे वहां से बचा लिया बमसे। मैं वहां खुश नहीं थी, हर दिन एक ड्रामा ख्वाब था मेरे लिए। सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता था वहां मेरे लिए, जैसे कोई गला दबा रहा हो मेरा। हफ्सा खातून, तुम सोच भी नहीं सकती, सांस लेना तो मेरा भी सिद्धांत जैसी हो गई थी। सामसा भाई, ये इतनी जल्दी में कहां जा रहा है? ये तो ऐसे भाग रहा है जैसे हवा की घोड़ी पर सवार हो। सामसा भाई, सामसा भाई, खैर तो है, कहिए बंसी भाई, इतनी जल्दी में आकर तुम कहां जा रहे हो? सदर में चिरका होने वाला भाई, अतुल भाई के साथ वहीं जा रहे हैं। हाँ, चिरका हो रहा है, हालात काबू में नहीं है, दुंदार भाई कबीला छोड़कर चले गए। एक तरफ चिरका और दूसरी तरफ दुंदार भाई, अल्लाह ही मदद करने वाला है। क्या कहा दुंदार भाई? हाँ। और ये सब कल रात हुआ है? जी हाँ भाई। ये अल्लाह सब खैर हो, चलो से पहले है भाई। ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ। आप सका तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल बंसी, अर्थवल भाई को अकेला मत छोड़ना। ये ले लो। अच्छा तुम बिल्कुल परी जैसी हो, मैं चलता हूँ। बमसी की शादी हो गई, एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम भी है। दुंदार अभी पता नहीं वो जो किया है उसका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा, वो देखना है मेरे को। अच्छा हुआ तो ठीक है, बुरा हुआ तो फिर बेचारा उतना फट जाएगा, देखो वो नहीं चाहिए। उतना ऑलरेडी पछता रहा है, इतना एक गलती की वजह से इतनी बड़ी इतना बड़ा नुकसान हो गया ना। बट एक्चुअली देखा जाए ना, उसमें उसकी भी कोई गलती है नहीं, वो हो गया प्यार, बट वो एक होता है ना कि किसी पे भरोसा नहीं किया जाता, उसने वही किया कुछ ज्यादा। वो बताने नहीं वाला था, वो मुंह से निकल गया, उसको निकलवाने सब कुछ आता था। बट यहाँ पे हफ्सा खातून अब बिल्कुल परी जैसी हो, कितना प्यार ही बोल रहा है। लेकिन अभी ये मेरे को ना उधर का प्लान थोड़ा बोलते ना अभी फेल होगा, यानी कि काफी उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है वो तो एक है। हाँ लेकिन जैसे अब तुम बोलने जा रहे वो मिरर वाला देखो क्या वो तो नहीं आया सब ऐसा खाली एक ही कुछ नुकसान ना करे वो बंदा जाते आते ठीक है, उसका हो जाए कुछ उसका होता ना उसको उड़ा उसका गर्दन उड़ाने का टाइम रहेगा ना, वैसे भी आएगा नहीं उसको हेल्प करने। वो बोल रहा था ना कि तुम्हारी जीत में मैं आऊंगा, बट जब तुम्हें कुछ होने वाला नहीं, तभी भी उसने बोला मैं आऊंगा मदद करने आऊंगा। हाँ, पर मुझे नहीं लगता ये आएगा मदद करने, देखना होगा सब कैसा है। चलो देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्लिक ऑन द बेल आइकन।